ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं, ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय सुन लो, सुन लो, सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो, इतने उत्तेजित मत हो। जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो। बैठो आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सुन लो। सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। कहते हैं, ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं, ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, सारे आवश्यक विमर्श एक तरफ रखे गए हैं और इनकी हट एक तरफ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभापति महोदय सदन के बाहर मणिपुर पर संवेदनशीलता के साथ बयान दिया, लेकिन इनका हट है कि बयान सदन के अंदर दें। गृह मंत्री जी ने यहां बैठकर दिन प्रतिदिन स्पष्ट किया कि जिस दिन जिस घंटे पे आप चर्चा करना चाहते हैं हम तैयार है करना करने के लिए, लेकिन 17 दिन इसी तरह ये सदन को इन्होंने चलने नहीं दिया, 17 दिन मजबूर करके स्थगित किया। और आज अध्यक्ष सभापति महोदय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये लोग मौन व्रत की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका जवाब ये दे। और केवल सन 1993 में नहीं लेकिन 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला, जातीय हिंसा चली, तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था, इसका उत्तर भी ये लोग दें। ये जो समूह है I.N.D.I.A. इस समूह में एक प्रोफेसर है जो मोरालिटी की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व वो एक ऐसे दल के करते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की नई कीर्तिमान स्थापित की है। इस I.N.D.I.A. समूह में एक ऐसी समूह की नेत्री है जिस समूह की नेत्री सोचती है कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना सबसे बड़ी भूल है। इन्हें तो सभापति महोदय
अपने अविश्वास प्रस्ताव पे स्वयं ही विश्वास नहीं है। सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो, इतने उत्तेजित मत हो। जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो। अब सभापति महोदय, इनके जो एक समूह है I.N.D.I.A घमंडिया समूह, उस समय में समूह में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं यूपीए सरकार पर 2G और कोल स्कैम का PIL लगवाया, और आज कांग्रेस का हाथ आपके साथ। ये स्थिति अंदर की बात, और वही स्थिति सभापति महोदय हमारे TMC के साथी यहां बैठे हुए थे, जिस TMC के बारे में अधीरता रोज इस सदन में लपक लपक कर भ्रष्टाचार की बात करते थे, चिटफंड की बात करते थे, अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की कत्लों की बात कर रहे थे, आज वही कांग्रेस पार्टी और वामपंथी बदल हाथ में हाथ उस TMC के साथ मिला रहे हैं। सभापति महोदय, इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल, या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में, जब 4,000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपने फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की काव्यात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की काव्यात की शुरुआत। जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान, मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय, कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो, मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को सभापति महोदय, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है, केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं उनको कोट करना चाहता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था अधीर दा ने, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनॉट चलते हैं, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनॉट चलते हैं, सबको एकजुट होना जरूरी है। ये मजबूरी है, पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर टू इंडियाज की बात करते हैं? ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं? ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं? और आज पिछले दो दिनों से सभापति महोदय, मैं सुन रहा हूं विपक्ष को, कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत बायाद आई इनको, कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में डाल रहे हैं कि राम वन गमन पथ का हम संकल्प करते हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। हमारी देश की आज 140 करोड़ जनता की आस्था और पीढ़ियों की सपना, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। मैं अंत में चार लाइन करके अपना बात समाप्त करता हूं। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। आपातकाल लगाने वाले संविधान की रक्षा कर नहीं सकते। जनता विरोधी की जिनका रहा है इतिहास, कितने भी चेहरे बदल ले, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते। जी, धन्यवाद।